गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मोबाइल बैंकिंग ऐप योनो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल में कैसे इंस्टॉल करें और उसको कैसे रजिस्ट्रेशन यानी उसका एक्टिवेशन कैसे करें उसके बारे में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स क्या करेंगे, सबसे पहले प्ले स्टोर ओपन कर लेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए नीचे गेम्स है, ऐप्स है, ऑफर्स है, बुक्स है, ओके। तो फ्रेंड्स आपको ऐप्स के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद सर्च में टाइप करना है योनो, ओके। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो योनो है, ओके, तो वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल मोबाइल बैंकिंग ऐप है। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स योनो SBI। तो फ्रेंड्स यहाँ से उसको इंस्टॉल कर लेंगे, ओके। तो फ्रेंड्स ये योनो SBI का रजिस्ट्रेशन आप विथ डेबिट कार्ड एंड विथआउट डेबिट कार्ड कर सकते हैं। पर फ्रेंड्स जैसे कि आप विथआउट डेबिट कार्ड करेंगे तो उसके लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के बाद एक बार ब्रांच विजिट करना होगा। तो फ्रेंड्स उससे अच्छा है कि ब्रांच विजिट करके डेबिट कार्ड की एप्लीकेशन दे दीजिए, उसके बाद डेबिट कार्ड आपको मिल जाएगा, उसका पिन बना लीजिए, उसके बाद फ्रेंड्स ये योनो रजिस्ट्रेशन करिए, ओके। तो फ्रेंड्स उसमें काफ़ी आपको अच्छा रहेगा, यानी आपको फ्रेंड्स कुछ डिफ़िकल्टीज नहीं होगी, ओके। और फ्रेंड्स दूसरी बात कि आपके मोबाइल में पर्याप्त SMS भेजने का बैलेंस होना चाहिए, ओके, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ से ये ऐप थ्रू एक SMS भेजा जाएगा, वो वेरीफाई होगा। तो फ्रेंड्स ये SMS भेजने का एक पर्याप्त बैलेंस आपके मोबाइल रजिस्टर मोबाइल में होना चाहिए, ओके। तो फिर यहाँ पे फ्रेंड्स योनो SBI, ओके, कंप्लीट 100% इंस्टॉलेशन हो गया है, ओके। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स कुछ यहाँ पे स्कैनिंग होगा और फ्रेंड्स नीचे आप देख सकते हैं कैंसिल का बटन आ गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ओपन का एक बटन आएगा, ओके, तो यहाँ से ओपन कर लेंगे, ओके। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स अलाउ योनो SBI टू एक्सेस दिस डिवाइस लोकेशन। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये योनो SBI आपका लोकेशन एक्सेस करना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जितनी भी परमिशन मांगी जाए वो सारी की सारी परमिशन को यहाँ पे अलाउ कर देंगे, ओके। फ्रेंड्स ये देखिए योनो SBI का कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुला है। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स एग्जिस्टिंग SBI कस्टमर, हाँ तो अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर है। अगर आप एग्जिस्टिंग कस्टमर नहीं है तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स ओपन सेविंग अकाउंट्स, ओके, यहाँ पे क्लिक करके आप सेविंग अकाउंट्स ओपन कर सकते हो, ओके, वो तो आपको पता ही होगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स जैसे कि मैं लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करता हूँ, उसमें फ्रेंड्स देखिए प्लीज़ सिलेक्ट टू प्रोसीड, ओके, एग्जिस्टिंग SBI कस्टमर, तो यहाँ पे हाँ मैं एग्जिस्टिंग कस्टमर हूँ। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स जो भी मैंने आपको बोला था कि जो भी परमिशन मांगी जाए उसको अलाउ कर देंगे, ओके। फ्रेंड्स सिलेक्ट सिम, ओके, यानी आपका जो सिम कार्ड है जो कि SBI के साथ जुड़ा है मोबाइल नंबर, ओके, वो सिम सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि मेरा SIM2 है, SIM2 सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद करता हूँ नेक्स्ट। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स वापस SMS भेजने की परमिशन मांगी गई है तो उसको कर देंगे अलाउ। इसमें देखिए फ्रेंड्स प्लीज़ वेट वाइल चेकिंग अवर सिस्टम फॉर योर मोबाइल नंबर, ओके। फ्रेंड्स ये आपका मोबाइल नंबर सिस्टम चेक करिए, थोड़ा वेट करिए। ओके फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स योनो रजिस्ट्रेशन क्रिएट योर SBI इंटरनेट बैंकिंग क्रेडेंशियल, ओके। तो यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग के लिए भी आप यहाँ पे रजिस्टर हो जाएंगे, तो यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। ओके फ्रेंड्स यहाँ पे कंसेंट यानी आपका परमिशन मांगा जा रहा है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या करेंगे, यस आई एग्री, ओके फ्रेंड्स डियर कस्टमर ये पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स आप, इसके बाद करेंगे यस आई एग्री। ओके फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए लाइफ स्टाइल एंड बैंकिंग दोनों, ओके, रजिस्टर फॉर योनो विथ माई ATM कार्ड, रजिस्टर विथ अकाउंट डिटेल्स, ओके। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ATM कार्ड थ्रू भी कर सकते हैं एंड विथआउट ATM कार्ड थ्रू भी कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास ATM कार्ड है तो मैं ATM कार्ड थ्रू ही करता हूँ। तो फ्रेंड्स रजिस्टर विथ अकाउंट डिटेल्स करेंगे तो फ्रेंड्स उसके बाद आपको एक बार ब्रांच विजिट करना होगा, उससे अच्छा है कि ब्रांच से ATM कार्ड ले लीजिए, उसके बाद फ्रेंड्स रजिस्टर फॉर योनो विथ माई ATM कार्ड के ऊपर क्लिक करिए, ओके। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे अकाउंट डिटेल्स मांगी जाएगी, आपका अकाउंट नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, ओके फ्रेंड्स यहाँ पे रेफरल ID और मोबाइल नंबर ऑफ बैंक स्टाफ, ओके, ये ऑप्शनल है तो ये आप खाली छोड़ सकते हैं, पर फ्रेंड्स आपको ये अकाउंट नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ डालना है, उसके बाद करना है नेक्स्ट, ओके। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने अकाउंट नंबर डाल दिया, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स कैलेंडर के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से ईयर सिलेक्ट कर लेंगे जो भी आपका ईयर है डेट ऑफ बर्थ का, ओके। तो चलिए फ्रेंड्स मैं सिलेक्ट करता हूँ, तो
तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने अकाउंट नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद करता हूँ नेक्स्ट। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स ओटीपी वेरिफिकेशन, आपके रजिस्टर मोबाइल पे एक ओटीपी आया रहेगा। ओके ये देखिए फ्रेंड्स 977002। ओके तो फ्रेंड्स यहाँ पे एंटर करेंगे, फ्रेंड्स ऑटो फिल कोड करेंगे तो ऑटोमेटिक वो फिल हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स 977002। ओके ये ऑटो फिल कर दिया मैंने, नहीं तो फिर ओके फ्रेंड्स ये हो गया है। उसके बाद फ्रेंड्स एंटर करेंगे, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे ओके फ्रेंड्स ये वी एस एंड एन ओ टी पी ये ईमेल पे भी आया रहेगा और आपके रजिस्टर मोबाइल पे भी आया रहेगा। उसके बाद करेंगे सबमिट पे क्लिक। ओके फ्रेंड्स तो ओ टी पी वेरीफाई हो चुका है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स रजिस्टर रिव्यू यूजर डिटेल, ये आपका नेम आ गया, ये आपका किफ नंबर आ गया। फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं सिलेक्ट ट्रांजेक्शन राइट्स। ओके तो फ्रेंड्स यहाँ पे सिंपल आप ये एप्लीकेशन व्यू के लिए यानी कि जस्ट देखने के लिए यूज़ करना चाहते हैं या लिमिटेड फ्रेंड्स, तो लिमिटेड यूज़ है। जैसे कि फ्रेंड्स बिसाइड इंक्वायरी यू कैन डू फंड ट्रांसफ़र विथ योर ऑन अकाउंट्स। ओके फ्रेंड्स आप अपने अकाउंट में ही वो फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यानी आपका जो अकाउंट है ओके उसमें ही आप लेन देन कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स फुल ओके यू कैन डू ऑल काइंड्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं फुल करता हूँ क्योंकि फ्रेंड्स ये काफ़ी यूजफुल रहेगा आने वाले दिनों में। ओके तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये सिलेक्ट ट्रांजेक्शन राइट्स में मैंने फुल कर दिया, उसके बाद करता हूँ नेक्स्ट के ऊपर क्लिक। ओके फ्रेंड्स जैसे कि एटीएम कार्ड डिटेल्स, यहाँ पे एटीएम कार्ड की डिटेल डालनी होगी, प्लीज़ एंटर लास्ट 6 डिजिट ऑफ योर एटीएम कार्ड। तो आपका जो एटीएम कार्ड है उसका जो नंबर है उसमें लास्ट 6 डिजिट है वो यहाँ पे एंटर करेंगे। ओके ओके फ्रेंड्स तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने लास्ट 6 डिजिट ऑफ माय एटीएम कार्ड एंटर कर दिया, उसके बाद करता हूँ नेक्स्ट। ओके फ्रेंड्स तो यहाँ पे मैंने एटीएम पिन एंटर कर दिया, उसके बाद करता हूँ सबमिट। और फ्रेंड्स ये देखिए सेट इंटरनेट बैंकिंग डिटेल्स, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स यूजर नेम एंड पासवर्ड बनाना है। ओके फ्रेंड्स तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स यूजर नेम के लिए गाइडलाइंस दी गई है, जैसे कि आपको यहाँ पे बोला गया कि 3 कैरेक्टर्स एंड मैक्स एंड 20 विथआउट स्पेस। ओके एंड फ्रेंड्स जो आपका पासवर्ड है ये फ्रेंड्स आपका 8 to 20 कैरेक्टर्स का रहेगा, यानी ABC@1234। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ABC में AB या C एक कैपिटल में होगा, दूसरे वो स्मॉल में हो सकते हैं। ओके फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने नीचे जो इंस्ट्रक्शन दी गई थी उसके हिसाब से यूज़र नेम एंड पासवर्ड बना दिया है। और फ्रेंड्स यहाँ पे आपको पासवर्ड देखना है तो ये आई वाले सिंबल पे क्लिक करके भी वो पासवर्ड देख सकते हो। ओके उसके बाद फ्रेंड्स करेंगे कन्फर्म। ओके फ्रेंड्स ये देखिए सक्सेसफुल, यू हैव सक्सेसफुली एक्टिवेट योर अकाउंट ऑन योनो। ओके तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका एक्टिवेशन योनो के ऊपर सक्सेसफुली हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे सेट एम पिन यानी आपका लॉगिन पिन बनाएंगे, सेट 6 डिजिट न्यूमेरिक एम पिन यानी आपका जो एम पिन रहेगा वो 6 डिजिट का रहेगा। ओके तो सेट एम पिन के ऊपर क्लिक करेंगे। ओके फ्रेंड्स यहाँ पे आप कंसेंट दे रहे हैं, एक बार ये पढ़ लेंगे। ओके उसके बाद करेंगे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक। ओके फ्रेंड्स यहाँ पे सेट अ परमानेंट एम पिन ऑफ योर चॉइस फॉर योर अकाउंट। तो फ्रेंड्स ये जो एम पिन रहेगा 6 डिजिट का रहेगा, तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये 6 नंबर डालेंगे, ये यही नंबर वापस यहाँ पे डाल के नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। चलिए फ्रेंड्स मैं यहाँ पे एम पिन डालता हूँ। ओके ओके फ्रेंड्स तो यहाँ पे मैंने एम पिन एंटर कर दिया है, ऊपर जो डाला है वही नीचे डाला है। उसके बाद करता हूँ नेक्स्ट के ऊपर क्लिक। उसमें देखिए फ्रेंड्स एन OTP हैज बीन सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। ओके फ्रेंड्स यहाँ से एक OTP भेजा गया रहेगा, तो एक बार ये पढ़ लेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको एंटर करना है। ओके OTP है 823361। ओके ये फ्रेंड्स ऑटो फिल ही रहता है, पर आपको अगर पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। जैसे कि मैं ऑटो फिल यहाँ से क्लिक करता हूँ वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। ओके फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर, यहाँ पे ओके के ऊपर क्लिक करेंगे, यानी फ्रेंड्स यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गया है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैं फ्रेश एक लॉगिन करता हूँ। ओके लॉगिन यूजिंग एम पिन, यहाँ पे एम पिन डालेंगे। ओके फ्रेंड्स चलिए मैं यहाँ पे एम पिन डालता हूँ, उसके बाद करता हूँ लॉगिन। ओके अगर आप फ्रेंड्स ये एम पिन भूल गए तो यहाँ पे फॉरगॉट एम पिन पे क्लिक करके भी एक नया एम पिन बना सकते हैं। ओके चलिए मैं फ्रेंड्स मुझे जैसे कि याद है तो मैं यहाँ पे एम पिन एंटर करता हूँ। ओके फ्रेंड्स तो यहाँ पे मैंने एम पिन डाल दिया है,
तो फ्रेंड्स ये देखिए योनो का इंटरफेस कुछ इस तरीके से खुल गया है। ओके तो फ्रेंड्स यहाँ पे योनो ऐप में आप क्या क्या कर सकते हैं वो मैं बारीकी से वीडियो बनाऊंगा। और ये फ्रेंड्स ये आप ये मेरे योनो के ऊपर के जो सारे के सारे वीडियो है वो मेरे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वो आप योनो SBI वीडियोस में जाके वो वीडियोस सारे के सारे वीडियो देख सकते हो। ओके तो फ्रेंड्स यहाँ पे योनो SBI में आपका SBI का जो वर्क है वो 80-85% आपके ये मोबाइल ऐप से ही हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि आपका ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स देखते रहिए, बने रहिए, कीप वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।